दोस्तों आज हम बनाएंगे अरबी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी सब्जी जो इतनी आसानी से बनती है कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, टेस्टी तो होती ही है। यहाँ मैंने आधा किलो अरबी ली है जो गोल गोल है। ज़्यादा लंबी वाली अरबी जो होती है उसके अंदर ज़्यादा कांटे होते हैं और गोल वाली में कम होते हैं। इसको काटने में हाथों में खुजली लगती है तो इसके लिए पहले मैं एक चम्मच सरसों का तेल अच्छे से हाथों में लगा लूँगी। सारी उंगलियों में सब जगह अच्छे से सरसों का तेल लगा लीजिए और चाकू पे भी लगा लीजिए। फिर इसको हम छीलेंगे। अरबियों को मैंने पहले ही धो के रख लिया था, अब मैं उनको छील रही हूँ। आप चाहें तो इसको पीलर से भी छील सकते हैं, मगर पीलर से इसका छिलका थोड़ा मोटा मोटा निकलता है तो इसलिए मैं इसे चाकू से ही छील रही हूँ। देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ इसे छील लिया है इसी तरीके से सारी अरबियों को अच्छे से छील लीजिए। अब मैं सारी अरबियों को छील के रख लूँगी। इनको मैंने 1/4 में कट कर लिया है। अरबी से बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत कांटे होते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर एक चम्मच नमक मिला के अलग रख दिया है ताकि वो सब ख़त्म हो जाए। फिर इनको अच्छे से धो लीजिए और धो के थोड़ा सुखा के इन्हें सरसों के तेल में फ्राई कर लीजिए जैसे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने में थोड़ा तेल ज़्यादा लगा है तो इसलिए जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम अलग निकाल के रख लेंगे। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच राई, चौथाई चम्मच हींग और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और साथ में ही दो मीडियम प्याज हमने छोटे छोटे काट के डाल लिए हैं। इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा काट लिया और 4 लहसुन की कलियाँ भी हैं और साथ में 1 हरी मिर्च को भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 7-8 करी पत्ते भी डाले हैं। इन सबको आपस में मिला के गोल्डन ब्राउन करने तक भून लीजिए। अजवाइन डालने को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि अजवाइन इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच भुना जीरा मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है। अब इसमें 4 चम्मच दही डाल के अच्छे से भून लीजिए जब तक इसमें से तेल ना निकल आए। फिर इसके अंदर सारी अरबी डाल लीजिए और नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। अरबी को तो हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था। इसको 1/2 कप पानी और डाल के अच्छे से मसाले को हर अरबी के ऊपर लपेट लीजिए। फिर इसको ढक के रख दीजिए 5 मिनट के लिए। अब हम फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। देखिए सब्जी अब हमारी बनकर तैयार हो गई है। बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम 1/2 चम्मच आमचूर और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आप इस कुरकुरी और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाना ना भूलें।